जैसे ही महिलाओं को नौवा महीना लगता है उन्हें बस इंतजार होता है अपनी डिलीवरी का। तो फ्रेंड्स, नौवें महीने में जो नॉर्मली बच्चे होते हैं वो अपना सर भी नीचे कर लेते हैं। अब बच्चे का सर नीचे आने से आपके पेल्विक एरिया यानी कि पेट के निचले हिस्से पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील होने लगता है आपको, साथ ही साथ हल्का हल्का पेन भी आपको महसूस होता है। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि जब आपका पेट दर्द शुरू होता है तो उसके कितने देर बाद आपकी डिलीवरी हो जाती है। कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी शादी को भी कितने साल हो चुके हैं, कितने साल बाद आपकी ये प्रेगनेंसी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ रेशू, आप सभी के साथ। आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, नॉर्मली नौवें महीने में क्या होता है कि बच्चे का प्रेशर नीचे की तरफ पड़ने लगता है, क्योंकि बच्चा अपनी जन्म की सही पोजिशन ले लेता है, सर नीचे करने लग जाता है और बर्थ कैनाल की तरफ आना शुरू हो जाता है, जिस वजह से आपके प्राइवेट पार्ट एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ऐसे में थोड़ा थोड़ा पेट दर्द आपको बना ही रहता है, कभी कभी पेट अचानक से कड़क भी हो जाता है। अब फ्रेंड्स, कैसा पेट दर्द नौवें महीने में डिलीवरी का संकेत होता है और कितने देर बाद डिलीवरी होती है? तो फ्रेंड्स, जब आपको लगे कि आपका जो पेट दर्द है वो एकदम बहुत तेज़ी से हो रहा है, जैसे पीरियड में ऐठन होती है उससे भी तेज वाली ऐठन आपको हो रही है, और ये जो दर्द है वो घूम के कमर तक जा रहा है, कमर से घूम के पेट तक आ रहा है, और साथ में आपको पैरों में भी दर्द महसूस हो रहा है, और ये जो दर्द है वो हर 5 मिनट में बढ़ता ही जा रहा है, जल्दी जल्दी आपको, क्योंकि इन्हें बोला जाता है कॉन्ट्रेक्शन, ये जो होते हैं रुक रुक के आते हैं, जैसे कि आपको 50 से 60 सेकंड तक के लिए दर्द होगा, ये 1 मिनट के लिए तेज़ी से पेन होगा, फिर ये हल्का हो जाएगा, फिर 1-2 मिनट ही रुकेगा, फिर से तेज होगा, फिर 5 मिनट बाद आपको ये फिर स्टार्ट होगा, और इस तरीके से फिर धीरे धीरे इसकी जो टाइमिंग है वो कम होती जाती है। अभी 5 मिनट में आ रहा था, फिर हर 3 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में ये आपको बार बार पेन आने लगेगा। तो इस तरीके का जो पेट में आपको दर्द होता है वो लेवर पेन होता है। अब जो आपको पेट दर्द हो रहा है उसके साथ और भी सिम्टम नज़र आ सकते हैं, जैसे कि आपको हल्की स्पॉटिंग ब्लीडिंग नज़र आ सकती है, आपको वाटर ब्रेक हो सकता है, हल्का सा पानी निकलना शुरू हो सकता है। तो ऐसा जो दर्द होता है उसमें आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना होता है। हॉस्पिटल आप जाते हो, जाते ही आपके प्राइवेट पार्ट का चेकअप किया जाता है, सर्विक्स का मतलब एग्जामिन किया जाता है कि आपका सर्विक्स अभी कितना ओपन हुआ है। जब आपका पेट दर्द शुरू होता है उसके कम से कम 12 घंटे के अंदर अंदर आपकी डिलीवरी हो जाती है नॉर्मल केसेस में। सो आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।